फ्लैट हेड्स फिर से शुरू हो रही है। गाइस तुम्हें ये बंदा तो याद ही होगा, इनकी शार्क टैंक इंडिया की पिच काफी वायरल हुई थी जिसमें ये अपनी कंपनी बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए फंडिंग नहीं आती है तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद ये पिच काफी वायरल हुई एंड गणेश बालकृष्णन को फाउंडर्स कम्युनिटी से काफी हेल्प भी मिली, उन्हें इंडियन ऑडियंस से काफी सिंपथी मिली एंड उन्हें काफी सारे वीडियोस में फीचर किया गया एंड ऑल्सो काफी पॉडकास्ट में भी वो एज ए गेस्ट नजर आए। इस इंस्टेंट फेम के चलते उन्होंने अभी अपना डे जीरो कलेक्शन लॉन्च कर दिया है एंड उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे लिखा है कि इस बार हम साक्स के दिए गए फीडबैक पर काफी अच्छे से काम करेंगे। बट सीरियसली गाइज, तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने सही में अपने बिजनेस को रीवैल्यूएट, रीथिंक एंड रीस्ट्रक्चर किया है या सिर्फ ये डिसीजन उन्होंने वायरलिटी के चलते ले लिया है? क्योंकि उनकी वेबसाइट पर अभी उनकी प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग तो बिल्कुल सेम है जो शार्क टैंक इंडिया पर आने से पहले थी। ऐसे ही और स्टार्टअप एंड